इस ब्रीफ में आज आप लोगों को बताऊंगा ड्राइवर अपडेट करना सीखेंगे विंडो 11 में फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप सेटिंग पे क्लिक करना, अपडेट एंड सिक्योरिटी इस पर सेलेक्ट करना आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए विंडो अपडेट है, व्यू ऑप्शनल अपडेट इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ड्राइवर अपडेट्स है, आप इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगी यहाँ पे देखिए आपकी सिस्टम में जो नहीं रहेगा यहाँ पे दिखा देगा आप, तो इसको चेक मार्क कर लेना। चेक मार्क करने के बाद आप इस पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देना आप। तो यहाँ पे देखिए जितने थे यहाँ हो रहे हैं अभी, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए लास्ट बचा हुआ बस ये भी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सारा इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद व्यू ऑप्शनल पर जाते हैं, ड्राइवर पर जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे और सारे हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पेंडिंग रीस्टार्ट, जब हम वो रीस्टार्ट पीसी करेंगे तब जाके ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इस तरह से ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।